यहाँ पर स्वागत करेंगे। सीएम धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में आयोजित रोजगार सृजन कार्यक्रम में 824 नवनियुक्त ANM को नियुक्ति पत्र सौंपा। अब ये 824 नवनियुक्त ANM प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में अगले 5 सालों तक स्वास्थ्य सेवाएं देंगी। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास और गणेश जोशी भी मौजूद रहे। धामी सरकार राज्य में इस बार नवरात्रों के पावन अवसर पर नारी शक्ति उत्सव मना रही है। सीएम धामी ने कहा कि महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए नवरात्रि पर्व पर प्रदेश के सभी जनपदों के धार्मिक स्थलों और मंदिरों में विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को 1,00,000 रुपए की धनराशि भी आवंटित कर दी गई है। नारी शक्ति उत्सव को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि कोई उत्सव मनाने से या पूजा पाठ से नारी शक्ति या मातृशक्ति का सम्मान नहीं होता, वो सम्मान तो कृत्यों में परिलक्षित होना चाहिए। उत्तराखंड की धामी सरकार के एक फैसले से राज्य में सियासत गर्मा गई है। दरअसल धामी कैबिनेट ने आबकारी की नई पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। वहीं बीजेपी इसको राज्य के हित में बता रही है। हर जिले में 1,00,000 रुपया। उत्तराखंड सरकार ने द्रोणाचार्य और खेल रत्न पुरस्कारों के लिए नामों की सूचना जारी कर दी है। 24 मार्च को सीएम धामी प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत आज अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता कर गैरसैंण में पेश किए गए बजट की खूबियां गिनाई। प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत ने कहा कि ये बजट प्रदेश के जनमानस की तमाम आशंकाओं को देखते हुए जारी किया गया है। बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और खिलाड़ियों समेत सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। भारतीय सेना की 27 पंजाब रेजिमेंट ने झूला देवी चौबटिया मुख्य मोटर मार्ग और चौबटिया नागपानी मार्ग को स्थानीय जनता के लिए बंद कर दिया, जिसको लेकर आज स्थानीय लोगों में रोष जताया। नवरात्रों के पहले दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक मां नंदा देवी के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं हरिद्वार के शिवालिक पर्वत पर विराजमान मां मनसा देवी मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर उत्तराखंड में 20 फरवरी से बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके संबंध में बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच प्रदेश के सभी 2600 शक्ति केंद्रों में संपन्न हो चुके हैं। नवरात्रि के पहले दिन गंगोत्री मंदिर समिति ने गंगोत्री धाम के कपाट खोलने की तारीख की घोषणा कर दी है। 22 अप्रैल को शुभ मुहूर्त में गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे।